आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। न्यूज 9 भारत चैनल की बड़ी कवरेज खबर आ रही है जनपद अंबेडकर नगर जिले के आलापुर के अंतर्गत जागीरगंज थाना परिसर में होली व सबेराज पर्व के दृष्टिगत डिजिटल वॉलंटियर्स व संभ्रांत व्यक्तियों व पुलिस मित्र के साथ हुई बैठक सीईओ आलापुर जगदीश लाल टमटा की उपस्थिति में थाना अध्यक्ष जागीरगंज शंभुनाथ बैफोर सहित थाना परिसर में पुलिस मित्र एवं शांति सुरक्षा ग्राम प्रहरी की गोष्ठी कर आगामी होलिका दहन व सवेरात त्यौहार को सकुशल एवं शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने हेतु अपील किया गया। थाना परिसर जागीरगंज में थाना अध्यक्ष शंभुनाथ की अध्यक्षता में होली सवेरात पर्व के दृष्टिगत क्षेत्र के डिजिटल वॉलंटियर्स व संभ्रांत नागरिकों व पुलिस मित्रों व पीस कमेटी के साथ गोष्ठी का आयोजन हुआ। होली व सवेरात त्यौहार को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु ऑडियो वीडियो से सूचना अवगत कराने को कहा गया, सहयोग की अपील की गई। थाना अध्यक्ष जागीरगंज के शंभुनाथ ने बताया कि होली और सवेरात के पर्व को सकुशल संपन्न कराने हेतु सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीओ आलापुर व थाना अध्यक्ष जागीरगंज शंभुनाथ द्वारा गोष्ठी में उपस्थित थाना क्षेत्र के सम्मानित व संभ्रांत लोगों से होली और सवेरात के त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने में सहयोग करने की अपील की गई। आपको बता दें कि आलापुर सीओ जगदीश लाल टमटा ने पीस कमेटी के बाद जागीरगंज थाना अध्यक्ष शंभुनाथ के साथ मैं फोर सहित पैदल मार्च कर सभी को कराया गया सुरक्षा का एहसास। न्यूज 9 भारत चैनल से प्रेस वार्ता में बोले सीओ आलापुर जगदीश लाल टमटा, आप सभी दर्शक ध्यान से देखें व सुने, देखें पूरी रिपोर्ट के साथ न्यूज 9 भारत चैनल के जिला संवाददाता पत्रकार अनिमेश श्रीवास्तव और पीयूष श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। सर, अम्बेडकर नगर जिले के अंतर्गत आलापुर के अंतर्गत जहांगीरगंज थाने पे अभी आपने सर एक मीटिंग की है जिसमें पहली बार ये देखा गया ग्राम प्रहरी को भी इसमें बुलाया गया इस मीटिंग में, क्या है कारण सर हुआ बताएं। हाँ, जिला स्तर पर एक ग्राम प्रहरियों की एक बनाई गई है, समितियाँ बनाई गई हैं, प्रत्येक ग्राम में ग्राम प्रहरी बनाए गए हैं। उन लोगों को सभी ग्रामवासियों की सुरक्षा की दृष्टि से आगामी जो त्यौहार दो आ रहे हैं, होली और सबे बारात का, ये दो बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार हैं और इत्तेफाक से ये दोनों एक ही दिन आ रहे हैं। इन दोनों त्यौहारों के मद्देनज़र सारे थाना क्षेत्र के ग्राम प्रहरियों को बुलाकर उनसे हमने कुछ चीज़ें शेयर की हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। उन्होंने बहुत अच्छे उत्साह के साथ में हम लोगों को सहयोग देने के लिए उन लोगों ने यहाँ पर अपना एक दिखाया है, जज्बा दिखाया है और हम आगामी त्यौहारों में कुशलतापूर्वक इन दोनों त्यौहारों को सकुशल मनाएंगे। सर, एक ही दिन दो त्यौहार पड़ रहे हैं, पुलिस प्रशासन क्या सर सुरक्षा है इसमें? इसमें सुरक्षा की दृष्टि से जैसे होली के बाद में रात में फिर सबे बारात का है, तो होली सारे दिन भर होली होगी और फिर उसके बाद सबे बारात का होगा, तो होली के मद्देनज़र सारे दिन भर पुलिसकर्मी उसमें लगे रहेंगे, फिर उनको रात भर भी ड्यूटी करनी है, तो इसमें सुरक्षा प्रहरियों को भी शामिल करते हुए गाँव की सुरक्षा के मद्देनज़र उन लोगों को भी हमने शामिल किया है। तो इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक की गई है और भारी संख्या में ग्राम प्रहरी यहाँ पर उपस्थित होकर के उन्होंने अपना योगदान देने के लिए हम लोगों को ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।